अजीब किस्सा था वो, फिजी वालों ने सुनाया मुझे। जब हम पहली बार तो फिजी गए तो फिजी गन्ने के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज ले गया था गन्ने के खेत, तो वहां जाके गन्ने के खेतों में हमारे लोग काम करते थे, मस्जिदें बनाई, एक आध जनरेशन के बाद मस्जिदें बंद हो गई, कोई नमाजी पढ़ने वाला नहीं, फिर जबान तक बदल गई उनकी, अब उर्दू नहीं इंग्लिश है, आगे की नस्लों में जबान बदल गई, और फिर शादियां गैरों से होने लगी, सारा माशरा खत्म हो गया। फिर जब उनको आजादी मिली तो उनको फिर जमीनें उनकी हो गई जो जमीनों में काश्त करते थे जब अंग्रेज की हुकूमत थी बरतानिया की, फिर वो जमीनें उनको मिल गई, तो फिर वो मालदार बने। एक आदमी टूरिस्ट बाप दादा का मुल्क देखने आया, उसे शौक हुआ मेरे बाप दादा का मुल्क देखना, तो वो आया दिल्ली, उसने एक गाइड लिया, उस गाइड ने उसको पूरा दिल्ली घुमाया, चार मीनार, कुतुब मीनार और क्या है वो लाल किला, चांदनी चौक, वो सब घुमाता घुमाता वो उसको लेकर आया निजामुद्दीन दरगाह, दरगाह से वो आदमी निकल रहा था, किसी तबलीग वाले की निगाह पड़ी उस पर, ये कोई बाहर का मालूम होता है, सूट कोट टाई पहने हुए, माशरत भी बदल गई थी उनकी, सूट कोट टाई, तो ये कोई दूर का आदमी लगता है और दरगाह से आ रहा है, हो सकता है मुसलमान हो, उसने जाकर से बात की, पता चला वो मुसलमान है, उसने फिर बताया कि मैं बाप दादा का मुल्क देखने आया, उसने उसको समझाया उस जमात के साथी ने कि यहां एक बुजुर्ग है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जरा उन बुजुर्ग से भी मिल लो, तो उसने कहा कि अच्छी बात है, मैं बुजुर्गों से मिलना तो बड़ी अच्छी बात है, तो वो आया मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, वो जो जमात का साथी था उसका काम इतना ही था, उसने लाके वहां हजरत से मुलाकात कराई कि हजरत ये हिंदुस्तानी है, कहता है कि कहीं बहुत दूर रहता है और बाप दादा का मुल्क देखने के लिए आया है, टूरिस्ट है, और मुझे दरगाह पे मिला, दरगाह पे। तो वहां यूसुफ साहब ने उसकी तश्कील की कि भाई तुम एक 24 घंटे हमारे साथ गुजारो, हमारे साथ 24 घंटे गुजारो। मौलाना यूसुफ साहब तश्कील कर रहे हैं कितनी कितनी भाई, क्या भाई तुम हमारे साथ 24 घंटे गुजारो। उसने देखा कि इतने बड़े बुजुर्ग वो कह रहे हैं हमारे साथ 24 घंटे गुजारो, तो मैं कैसे इनकी बात का इनकार करूं, वो ठहर गया। वो यूसुफ साहब ने उस पर इतनी तवज्जो की, खाने में साथ, उस जमाने में कौन होता था बैरून वाला, कोई होता ही नहीं था, खाने में साथ बिठाया, बयान में सामने बिठाया, अरे भाई वो कहां है हमारा वो फीजी वाला जो आया हुआ है। तो 24 घंटे में उसने फिर मौलाना यूसुफ साहब से कहा, जब उसने 24 घंटे पूरे हो गए, उसने मौलाना यूसुफ साहब से कहा कि हजरत जो काम आप यहां कर रहे हैं इसकी हमारे मुल्क में बहुत जरूरत है, हमारी मस्जिदें बड़ों ने बनाई थी वो अब बंद हो चुकी हैं, हमारी माशरत बदल गई, हमारे नौजवानों को कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं है, तो हमारे मुल्क में तो इसकी बड़ी जरूरत है, आप जमात भेजिए, मैं उनके साथ उनको रहबरी करूंगा, मैं उनका साथ दूंगा, मैं लेके उनको फिरूंगा। तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने उस जमाने के जो हमारे शूरा वाले थे, मौलाना उमर साहब, मौलाना उबैदुल्लाह साहब, मुंशी बशीर साहब, मियां जी मेहराब साहब, सब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, उनको बुलाया कि देखो भाई ये हमारा मेहमान, ये अपने मुल्क की दावत दे रहा है कि हमारे मुल्क को जमात भेजो और मैं साथ दूंगा। तो उसे कहा कि भाई नक्शा लाओ, देखें तो तुम्हारा मुल्क कहां है, नक्शा ला के देगा तो नक्शे में कहीं नाम निशानी नहीं है उसका, वो भी ढूंढ रहा है मेरा मुल्क कहां है, वो भी ढूंढ रहा है। छोटा सा जजीरा, उस जमाने में कोई हैसियत नहीं थी, अब तो चूंकि टूरिस्ट स्पॉट बन गया है तो उसका नाम भी है, वरना वो वर्ल्ड मैप में उसकी कोई इनका नाम भी नहीं था, वो भी ढूंढ रहा है मेरा मुल्क कहां है। फिर उसने अंदाजे से बताया ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड और यहां जो छोटे छोटे नुकते हैं इनमें से एक नुकता मेरा भी है। तो वाई साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हम जमात भेजेंगे, कोशिश की, जमात नहीं बनी, मौलाना इस सब का इंतकाल हो गया। उस शख्स ने जो कुछ अच्छा वहां कुछ अब हज का सिलसिला भी शुरू हो गया था,
तो जिनके पास कुछ पैसा हो गया वो कहेंगे हज को जाएंगे। तो हाजी जा रहे थे, हाजियों से उस शख्स ने कहा कि हरम में तबलीग वालों को तलाश करो, और अगर तबलीग वाले तुम्हें मिले तो उनसे कहना कि उन्होंने वादा किया था जमात भेजने का, वो पूरा नहीं हुआ, अभी तक जमात आई नहीं। तो हाजियों ने तलाश किया। उस जमाने में मुल्कों के जोड़ होते थे मक्के मुकर्रमा में, मदीने तैयबा में, एक एक मुल्क वालों को जोड़ करते थे, उनका बुलाते थे, दावत देते थे, खाना खिलाते थे, उनको काम की तरगीब देते थे, मुल्कों के जोड़ होते थे। उस वक्त काम बिल्कुल खुला हुआ था, तो लोगों ने उसे वहां पहुंचा दिया। हफायर, हफायर मरकज था वहां मक्के मुकर्रमा में। तो उसने आके मुलाकात की, हजरत का तो इंतकाल हो चुका था, मौलाना साहब का, मौलाना इनाम साहब से मिली। उसने फिर याद दिलाया कि हमारा हमारा भाई आया था, आपने उसको जमात भेज, उसने हमको आपकी याद दहानी कराने के लिए भेजा है कि आपने जमात भेजी नहीं। तो उन्होंने अर्ज किया कि उन्होंने फरमाया कि भाई हमने कोशिश की बहुत, लेकिन जमात बन ना सीखी। उस जमाने में बहुत दूर की बात थी वो, बारह तो पासपोर्ट बनना मुश्किल होता था उस जमाने में। हम अभी भी कोशिश में हैं, जमात बनेगी तो इंशाल्लाह भेजेंगे। उस वक्त मुल्कों से जमातें बन के आती थी, मुल्कों में जाती थी, हज के बाद मदीने मुनव्वरा से जमातें रवाना होती थी। सब ये सब रुकावटें नहीं थी उस वक्त, दुनिया के मुल्कों से जमातें बन के आती और मदीना मुनव्वरा से जमातें मुल्कों में जाती थी। तो ये तकाजा लेकर आए फिजी वाले, और जमात आई जाम्बिया से। उन्होंने आके हजरत जी से अर्ज किया कि हजरत दुनिया के किसी किनारे पर भेजिए, हम जाने तैयार हैं। तो तकाजा फिजी से और जमात, फिर यह जाम्बिया की पहली जमात थी जो वहां गई फिजी। और उस आदमी ने अपने हस्ब वादा वो इनको लेके पूरे जजीरे में फिरा। एक ही सफर में सब मस्जिदें खुल गई, जितनी बड़ों की बनाई हुई बंद थी मस्जिदें, कोई आता ही नहीं था नमाज के लिए, सब मस्जिदें खुल गई। ये सारी खैर किसके हिस्से में है? अरे बोलो ना भाई, जाम्बिया वालों के हिस्से में ये सारी खैर। और ये खैर किसे कैसे हिस्से में आई? इनकी नीयतें बदलने पर, कि ये नीयत करके यहां ठहरे कि अब हम दुनिया की नीयत से नहीं ठहर रहे हैं, अब हम यहां दीन के लिए ठहर रहे हैं। फिर देखो अल्लाह ने आज ये कितना कैसा गुलशन बनाया है, अल्लाह ने कैसा गुलशन बनाया है यहां। लेकिन ये सब ये बड़ों की कुर्बानी और उनकी नीयतें बदलना कि हम यहां अब दीन के काम के लिए ठहरे हैं। तो हम दुनिया में जहां भी हमारे लोग हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई दुनिया भर में अल्लाह ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो एक ही मुल्क था, तीन हिस्से किए अंग्रेज ने। तो जो हमारे लोग वहां रह रहे हैं वो अल्लाह के दीन के काम की नियत करके ठहरे। दुनिया मुकद्दर की अल्लाह देगा इंशाल्लाह, ये तो ईमान है हमारा।